यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे आई एम मेकिंग समरी ऑफ इंडिया स्टडी थ्री. आज मेरा पहला लेक्चर है इंडिया स्टडी थ्री का. इंडिया स्टडी थ्री, ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS20 हमने इंटर में किया था. ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए है. हम लोग दो कंपनी का कंपैरिजन करते हैं, एयरटेल का जियो के साथ कर रहे हैं, अंबुजा सीमेंट का विराट सीमेंट के साथ कर रहे हैं, HDFC बैंक का ICICI बैंक के साथ कर रहे हैं कि कितना एक का EPS है, कितना दूसरे का EPS है. और इतना ही नहीं, EPS कैलकुलेट करते समय अपने को दो EPS कैलकुलेट करने पड़ते हैं. आज का एक्चुअल EPS जिसको बोलते हैं बेसिक EPS, और फ्यूचर का एक एस्टीमेशन करके, फ्यूचर के प्रॉफिट्स का और फ्यूचर के नंबर ऑफ शेयर्स का एस्टीमेशन करके आज ही एक बेसिक EPS के साथ डाइल्यूटेड EPS भी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को अपने डिसीजन मेकिंग के लिए ये दोनों टाइप के EPS की जरूरत पड़ती है. तुम बोलोगे सर EPS कैलकुलेट करना है, EPS कैलकुलेट करना है, तो सर EPS कैलकुलेशन के लिए अपने को अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो EPS कैलकुलेट होगा क्या? यस, अगर लॉस है तो भी EPS कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये कंपेरेबल है ना. कंपेरिजन पॉसिबल नहीं अगर EPS कैलकुलेट नहीं करोगे तो. इन केस देर इज़ नो अर्निंग्स, अर्निंग्स ही नहीं है तो फिर कैसे, अरे लॉस होएगा. अर्निंग्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सर ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग डायल्यूटेड EPS कैलकुलेट नहीं कर सकते. इंडिया 33 ने कंपलसरी किया EPS कैलकुलेट करना दोनों टाइप का. सो ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन वाला एक्सक्यूज नहीं दे सकते. इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू कैलकुलेट बोथ EPS, बेसिक एज वेल एज डायल्यूटेड. इनफैक्ट अर्निंग्स पॉजिटिव होगा तो भी EPS आएगा, अर्निंग्स नेगेटिव होगा तो भी EPS आएगा. दो टाइप के हम लोग कंपेरिजन करते हैं, एक तो डिफरेंट कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ इंडस्ट्री, और दूसरा सेम कंपनी का करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स का EPS. सो विद इन द सेम कंपनी, एक सेम कंपनी का भी विद इन द सेम कंपनी डिफरेंट ईयर्स का EPS हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंपेरिजन के लिए. सो दो टाइप का EPS है, बेसिक EPS और डायल्यूटेड EPS. अगर बात करें बेसिक EPS की, तो बेसिक EPS का ये फॉर्मूला है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स. बट ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स कैसे वर्कआउट करेंगे हम लोग? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट एज पर IRR, एंड वी गेट अर्निंग्स बिफोर टैक्स, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स एंड माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल एट प्रेजेंट, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, तो इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना. एंड वी गेट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो अब इसमें मैंने एडजस्टमेंट्स करवाए थे, 7 एडजस्टमेंट. सबसे पहला एडजस्टमेंट था प्रेफरेंस डिविडेंड का. अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी हो तो भी कैलकुलेट करके करंट ईयर के अर्निंग्स अवेलेबल में एक्सपेंस के तरह माइनस कर दो. लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका प्रेफरेंस डिविडेंड तभी माइनस करना व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. और डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है ना, वो पिछले साल का डिविडेंड करंट ईयर में, तो करंट ईयर के EPS कैलकुलेशन में नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पिछले साल का डिविडेंड माइनस होएगा, जबकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का करंट ईयर का डिविडेंड माइनस होएगा. करंट ईयर का डिविडेंड माइनस होएगा और डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा वो IRR के रेट पे. क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी एज पर IND AS 109. एज पर IND AS 109 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी. और IND AS 109 के हिसाब से जो इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो IRR की रेट से होता है. तो IRR की रेट से कैलकुलेट करोगे. हाँ, फिर उसके बाद में और एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर कुछ नहीं बोला हो तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्यूमुलेटिव ही मानना. प्रेफरेंस शेयर्स के अर्ली रिडेम्पशन में कुछ प्रीमियम या डिस्काउंट अगर दिया है, तो प्रीमियम का मतलब अगर एक्स्ट्रा पेमेंट किया रिडेम्पशन में, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स में एक्सपेंस माना जाएगा एंड अर्निंग्स विल रिड्यूस एंड द EPS विल ऑल्सो रिड्यूस. लेकिन अगर डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट इज अ प्रॉफिट एंड बिकॉज ऑफ विच अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स में वो इनकम या गेन ऐड किया जाएगा, अर्निंग्स बढ़ जाएगी, EPS बढ़ जाएगा. नॉर्मल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है, ये रिपोर्टिंग के लिए इसको अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स के साथ प्लस या माइनस करना है. देख लो, जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है और अमाउंट पेड है, कम पे किया तो इनकम है, ज़्यादा पे किया तो एक्सपेंस है, वो अर्निंग्स अवेलेबल को प्लस माइनस करके EPS निकालना है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम का आइटम IND AS रूल्स के हिसाब से हम लोग ने मानना बंद कर दिया. देर आर नो आइटम्स नोन एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. तो अब EPS जो कैलकुलेट होगा ना, वो ओवरऑल प्रॉफिट्स पे होगा, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं होगा. हाँ, लेकिन EPS कैलकुलेट करते समय
कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस अलग कैलकुलेट करो एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का ईपीएस अलग एंड टोटल बिजनेस का ईपीएस, ये तीन ब्रेकअप तो दिखाने ही पड़ेंगे। लेकिन नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से तुम ये ट्रांसफर टू रिजर्व्स और इक्विटी डिविडेंड माइनस मत कर देना, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है और कुछ भी माइनस नहीं होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में। अगर कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो होल्डिंग कंपनी एक तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ईपीएस कैलकुलेट करेगा, खुद का प्रॉफिट डिवाइड बाय खुद का नंबर ऑफ शेयर्स, और एक खुद के प्रॉफिट के साथ सब्सिडरी कंपनी में अगर 80% शेयर है तो 80% ऑफ सब्सिडरी का प्रॉफिट अपने प्रॉफिट के साथ जोड़ देगा एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, खुद का इक्विटी शेयर्स। सो वो दो ईपीएस कैलकुलेट करेगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। ये टॉपिक में मेरे को समरी बनानी पड़ेगी हर लेक्चर की, और तुम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास में आते हो जस्ट लेक्चर शुरू होने के 5 मिनट पहले ये समरी देख लिया करो, 5-7 मिनट पहले, और पहले दिन कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर लिया करो, सो दैट तुमको ये टॉपिक में कहीं पे भी तकलीफ नहीं हो। बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, लोगों के लिए डिफिकल्ट है, नॉट फॉर अस। चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप इट हियर।